नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ निशा बर्णवाल। सासाराम में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा मामले को लेकर बीजेपी से 5 बार पूर्व विधायक रह चुके जवाहर प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई है। अब मुश्किलें उनकी थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल बीते दिनों एक तरफ जहां पुलिस ने उन्हें रिमांड पर लिया था, पूछताछ की गई थी वो इस पूरे मामले को लेकर, तो वहीं आज उस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की गई। ये सुनवाई जो थी वो रोहतास जिला व्यवहार न्यायालय स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शक्तिधर भारती के न्यायालय में हुई, जहाँ पर सासाराम सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामले में आरोपी पूर्व भाजपा विधायक जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। सासाराम टाउन पीएस केस नंबर 275/23 में, जिसका दफा 147, 148, 149, 188, 153A, 341, 342, 323, 337, 338, 353, 307, 427, 435, 436, 504, 506, 505, 27 आर्म्स एक्ट में यह केस दर्ज है। आज विधायक के बेल की सुनवाई थी जवाहर प्रसाद जी का, और उनके साथ और लोगों की भी सुनवाई थी, दोनों पक्ष के लोगों की सुनवाई थी और दोनों पक्ष का बेल खारिज कर दिया गया। यह भी सूचना है कि इसमें बाद में 302 जोड़ने की बात थी, जो 302 जुट गया, इसलिए बेल खारिज कर दिया गया। किस कोर्ट में था सर? सीएम साहब के यहाँ था। सिर्फ जमानत याचिका ही खारिज नहीं हुई है, बल्कि इसमें धारा 302 भी जोड़ दिया गया है। ये धारा जो है ये हत्या से संबंधित धारा है, जिसके बाद पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर आगे सुनवाई की जाएगी, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो इनके साथ साथ अन्य 17 लोगों की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जब से ही रामनवमी हिंसा हुई है, तब से लगातार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, और ऐसे में हिंसा के एक महीने के बाद भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी होती है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो जाती है। ऐसे में बयानबाजी का दौर भी चलने लगता है, लेकिन अभी फिलहाल जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि सासाराम से 5 बार विधायक रह चुके जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। बीते दिन जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, और तब उन्होंने कहा था कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मुझे जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उन्हें अभी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, और ऐसे में अब पूरे मामले को लेकर आगे सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रामनवमी जुलूस के दौरान जो सासाराम में हुई हिंसा हुई थी, उसमें आगजनी मामले में पूर्व विधायक को पिछले 29 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही ये भी बताते चले कि उक्त मामला जो है ये सासाराम नगर थाना कांड संख्या 275/2023 से जुड़ा है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पिछले दिनों रामनवमी के जुलूस के दौरान दो समुदायों में फैले धार्मिक उन्माद और एक दूसरे पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं घायलों में राजा चौधरी नामक व्यक्ति की इलाज के दौरान बनारस में मृत्यु हो गई थी, यानी कि राजा चौधरी की मृत्यु हो गई थी। इसी मामले को लेकर धारा 302 का जोड़ दिया गया है, और इस पूरे मामले को लेकर अब उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सोमवार को आज सुनवाई की गई, और इस पूरी सुनवाई में कोर्ट ने नगर पुलिस द्वारा दिए पूर्व में दिए गए आवेदन पर 302 धारा हत्या को भी जोड़ दिया है, जिससे मामला अत्यंत गंभीर हो गया है। बताते चले कि राजा चौधरी की मृत्यु के 15 दिनों के बाद नगर पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में उसके मृत्यु प्रतिवेदन रिपोर्ट को दाखिल किया था। इस पर सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट में मृत्यु प्रतिवेदन रिपोर्ट विलंब से जमा कराने को लेकर नगर थाना अध्यक्ष के खिलाफ कारण परीक्षण नोटिस भी जारी किया था। इस मामले में भादवी की धारा 302 जुड़ने के बाद मामले में पूर्व से जमानत पाए अभियुक्तों की जमानत को खारिज कराने हेतु अभियोजन पक्ष आवेदन अब दाखिल करेगी। यानी कि देखा जाए तो जवाहर प्रसाद की मुश्किलें अब काफी बढ़ गई है, और ऐसे में अब उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर आगे भी सुनवाई की जाएगी। देखा जाए तो लगातार इसको लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी लगातार इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर है, तो वहीं नीतीश कुमार की तरफ से और कहे तो महागठबंधन के अन्य नेताओं का कहना है कि इस पूरे हिंसा में बीजेपी का ही हाथ था, जिस पर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।